ईश्वर उत्तर प्रदेश के सबसे मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का इस मेहरगढ़ के ऐतिहासिक जनता की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, चूंकि महाराज जी मंच पर हैं, अपनी बात को विस्तार से रखेंगे, लेकिन आपसे मैं अपील करना चाहता हूं, जिस क्षेत्र में रहने वाले हैं, इसके पहले भी आपने देखा होगा, मैं सारे इलाके को जानता हूं। जब आप चिरैया कोर्ट से चलते थे, जुलबरिया यहां से लेकर के रासेपुर बुगरिया खरियाली वहां से जब जाते तो चहुआ जुलबरिया कौन सी रास्ता देखते थे, लेकिन आप देख रहे होंगे यही खरिहानी से मेहरगढ़ जो बिंद्रा बाजार रोड की हालत क्या थी। लेकिन मानी जब से हमारे मुख्यमंत्री महाराज जी बने हैं उत्तर प्रदेश में, आज सारे रोडों की हालत सुधर गई है, चाहे गोपालपुर की हो, कोरोना बल्लीपुर जबकि घटिया के हो, सारे रोडों में जो परिवर्तन हुआ है, आज इसीलिए सारे लोगों ने मन बनाया है कि आने वाली 25 तारीख को हम कमल के बटन दबा करके निरहुआ को भारी बहुमत जिताने वाले हैं। साथियों, मेरी आपसे अपील है, आज देश की सियासत में जो हलचल है और साजिश हो रही है, जो ईडी गठबंधन का, क्यों? क्योंकि आपने नारा दिया है कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। इसलिए मोदी जी ने कहा था जब प्रधानमंत्री बनने के बाद कि न खाऊंगा न खाने दूंगा, और सारे लोग छटपटाहट है कि पता न आने वाले दिन में कौन कहां जाएगा, कौन जेल में होगा, किसके ऊपर क्या क्या होने वाला है। और इसके पहले मेहरगढ़ के लोगों, आप जानते हैं महाराज जी, मैं आपसे जरूर कहना चाहूंगा, उत्तर प्रदेश के आपके 7 साल के कार्य में जो बदलाव लाया है, जो लाइन आर्डर का काम आपने किया है, आज जो भी गुंडे हैं आज कहीं सड़क में दिखाई देते हैं, कहीं नहीं दिखता है। और एक बात और कहना चाहता हूं, ये आजमगढ़ का टेस्ट था महाराज जी, कि जब कोई नेता आता था, जब कोई नेता आता था तो उसके गाड़ी में भीड़ लग जाती थी नाल देखने के लिए कि कई बंदूक है, कितनी नाल है उस नेता के पास। आज एक भी नाल कहीं दिखाई देती है? बोलिए, कहीं नाल दिखाई देती है? क्योंकि खौफ है माननीय योगी आदित्यनाथ जी का कि अगर कहीं नाल दिख गई, कोई क्रिमिनल दिखाई दे गया, तो उसका सीधे स्थान कहाँ है, महाराज जी ने बता दिया पहले ही, ये बताने की जरूरत नहीं है। और एक बात बता दूं, जिस तरीके से इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इस देश में रहने वाले, यहाँ के रहने वाले गरीबों के, बेवसलाचार लोगों को आज़ादी के 70 साल तक जिनको कुछ पहचान नहीं थी, जिनको सरकार की योजनाओं का फायदा नहीं मिलता था, आपने देखा, मैं तो आपकी तरफ से आज आयुष्मान योजना हो, आवास हो, वो सारी योजना आपको ईमानदारी से लागू हो रही है। और मैं इस मंच के माध्यम से सच्चे मन से मैं माननीय मुख्यमंत्री का तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि महाराज जी, यहाँ जब गरीब का बेटा बेटी बीमार पड़ता था तो पैसे के अभाव में दम तोड़ देता था, लेकिन बधाई देना चाहता हूँ, जब से मैं होश संभाला हूँ, चाहे जितनी भी सरकारें बनी हो, चाहे कोई मुख्यमंत्री रहा हो, एक पैड लेकर के जाकर के मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री राहत कोष से पैसा दिलाने के लिए पंचम तल का चक्कर लगाना पड़ता था, लेकिन आज एक भी विधायक अगर जाता है मुख्यमंत्री आवास पे तो सारा का सारा पैसा उसको मिल जाता है, आप लोग उसके गवाह हैं। इसलिए साथियों, समय की कमी के नाते मैं आपके बीच हमेशा रहा हूँ, फिर आऊंगा, इन्हीं सारे शब्दों के साथ फिर अपील करते हुए कि आने वाली 25 तारीख को इतना विधानसभा ऐतिहासिक है मेहरगढ़ की, मैं सबकी ताकत को जानता हूँ, इतनी संख्या में जिता दीजिए कि दो विधानसभा जितनी जिताएगी अकेले मेहरगढ़ जिता करके दिनेश लाल यादव को लोकसभा भेज करके, फिर माननीय जो मुख्यमंत्री माननीय प्रधानमंत्री को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका स्वागत अभिनंदन करते हुए आपसे विदा लेता हूं। जय हिंद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री जी। अब मैं अपने लोकप्रिय सांसद श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी से निवेदन करता हूं कि वो माननीय मुख्यमंत्री जी को अंग वस्त्रम और ODOP के ब्लैक पार्टी देकर स्वागत और अभिनंदन करें। श्री
दिनेश लाल यादव जी रहुआ जी। अब मैं सीधे अपने लोकप्रिय सांसद आजमगढ़ के श्री दिनेश लाल यादव जी रहुआ जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए और अपने विचारों को रखें। भारत माता की जय जय श्री राम। मैं तो पहले ये चाहता हूं आप लोगों ने जो उपचुनाव में जीत दिलाई थी इसी मेहनगर की धरती से, और पूज्य महाराज जी आज मंच पे हैं, तो आप सभी एक बार खड़ा होकर धन्यवाद देंगे, ताली बजा के धन्यवाद देंगे। योगी जी को जय श्री राम, महाराज जी को जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बैठ जाइए आप लोग। आज मंच पे हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी और आज मंच पे उपस्थित हैं हमारे आदरणीय दारा सिंह चौहान जी, मंच पे उपस्थित हैं आदरणीय हमारे सहजानंद राय जी, आदरणीय हमारे गोविंद नारायण शुक्ला जी, आदरणीय हमारे अशोक सिंह जी, आदरणीय हमारे संतोष सिंह जी जो पूर्व सांसद हैं, आदरणीय हमारे सुनील गुप्ता जी, हमारे आजमगढ़ के यशस्वी जिला अध्यक्ष आदरणीय श्री कृष्णपाल जी मंच पे उपस्थित हैं, हमारे आदरणीय मंत्री जी उपाध्याय जी मंच पे उपस्थित हैं, हमारे आदरणीय यशवंत सिंह जी मंच पे, आदरणीय हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष जयनाथ सिंह जी, आदरणीय पूर्व जिला अध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह जी, पूर्व जिला अध्यक्ष आदरणीय देवेंद्र सिंह जी, आदरणीय हमारे अखिलेश मिश्रा गुड्डू भैया जो पूर्व प्रत्याशी रहे हैं, आदरणीय हमारे सत्येंद्र राय जी, आदरणीय वंदना सिंह जी, आदरणीय मंजू सरोज जी, और मंच पे उपस्थित हैं भोजपुरी फिल्म अभिनेत्री आम्रपाली दुबे जी, और यहां उपस्थित आप सभी बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, माताएं और बहनें, आज जब मंच पे हमारे बीच में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी हैं, तो आज ज्यादा कुछ नहीं कहकर मैं सिर्फ आज धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं पूज्य महाराज जी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि पूज्यनीय महाराज जी ने आजमगढ़ जब मुझे भेजा था तो इन्होंने कहा था कि आप एक कलाकार हो और आप आजमगढ़ में रह के अपनी फिल्में बनाना और आजमगढ़ के लोग जो भी मांग रखें वो पत्र बना के मुझे भेजना और आजमगढ़ का एक भी काम नहीं रुकेगा। पूज्यनीय महाराज जी ने वो करके दिखाया, पूरे आजमगढ़ को आपने चमका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। एक बात और मैं बताना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी में अंतर क्या है। जब मैं आजमगढ़ में आया तो सपाइयों ने कहा कि आजमगढ़ में हमने ईंट रखा है, तो हमने पता किया भैया ईंट रखा है कहां रखा है, तो पता चला ईंट रखा है और जेल बनाया है। क्या बनाया है? जेल बनाया है। हमने कहा भैया ये तो तुम अपने लिए बनाए हो, तुमको पता है कि तुम गुंडई करते हो, बूथ कैप्चरिंग करते हो, जिस दिन बुलडोजर बाबा आएंगे
इसी जेल में तुमको उल्टा लटकाएंगे। और तुमने आजमगढ़ में इसलिए बनाया कि घर के नजदीक रहेगा तुम्हारे बीवी बच्चा, तुम्हें खाना पहुंचाएंगे। तो ये तो तुमने अपने लिए बनाया, जनता के लिए क्या बनाया है? तो जवाब कुछ नहीं मिला। तब हमने कहा कि देखो, ईंट तुमने भी रखा है और ईंट हमारे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी भी ने रखा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो ईंट रखी है उस ईंट से महाराजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय बनाया है। आजमगढ़ की बेटी बेटियों के लिए पढ़ने की सुविधा बनाया है, अटल आवासीय विद्यालय बनाया है। आजमगढ़ की पहचान समाजवादी पार्टी के लोगों ने क्या बनाया था? देश में कहीं भी हत्या हो और वहां जो हथियार मिलता था उस पे लिखा होता था मेड इन बम्हौर आजमगढ़। ये पहचान बनाया था आजमगढ़ की। पर हमारे पूज्य महाराज जी ने आजमगढ़ में संगीत विद्यालय बनाया है। ये अंतर है कि आज दुनिया से कोई भी बच्चा आजमगढ़ कट्टा खरीदने नहीं, संगीत की शिक्षा लेने के लिए आ रहा है। ये अंतर है समाजवादी पार्टियों में और हमारे भारतीय जनता पार्टी में। आजमगढ़ में जब इन लोगों को 10 विधायक मिला, 10-10 विधायक हैं आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के, लेकिन कुल अपने दुआरे का रास्ता ना बना पाओ, नहीं तो हर सड़क का बनेंगे। पूज्य महाराज जी की कृपा से 1.5 साल में ये रासेपुर तितरा वाली सड़क चमकल है कि ना चमकल है? रौना पार बिलरियागंज से लेके पूरे आजमगढ़ की सड़क तो बन गई। ये जो सपा के विधायक हैं, कभी मंत्री रहे, 1.5 साल में उनके गांव की सड़क भी पूज्य महाराज जी ने ही बनाया। मैं आप लोगों को सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, इस अंतर को समझना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा। और आजमगढ़ में लोकसभा का चुनाव तो हम लोग जीतेंगे ही, आने वाले दिन में आजमगढ़ की 10 की 10 विधानसभा की सीट भी हमको जीतनी है। क्योंकि आजमगढ़ चमकाना है तो कमल का बटन, अपने बच्चों का भविष्य बनाना है तो कमल का बटन। कमल का बटन दबक रही, आजकल हम गांव गांव में बताइला कि भैया हो, आजमगढ़ कमल खिलत रही तो खाता में पैसा मिलत रही। आजमगढ़ कमल खिलत रही तो मुफ्त में राशन मिलत रही। आजमगढ़ कमल खिलत रही, 5 लाख रुपया का गरीब के मुफ्त इलाज मिलत रही। और अब तो प्रधानमंत्री जी ने यह भी कह दिया कि आपके परिवार में कोई बुजुर्ग है, चाहे माँ है, पिता है, चाची है, नानी है, अगर 70 साल की उम्र हो गई है तो उसके इलाज की भी जिम्मेदारी हमारी सरकार करेगी। यह अंतर है। और मैं आप लोगों को एक और बात बताना चाहता हूं, 1.5 साल के लिए आपने कमल खिलाया तो कोई सांसद 5 करोड़ अपनी निधि खर्चा करता है, इसी आजमगढ़ में पूज्य महाराज जी ने 12 करोड़ रुपया खाली गरीबों के इलाज के लिए दिया है, 12 करोड़ रुपया। तो अब मैंने एक दिन पूछ लिया एक सपा वाले से कि भाई सब कुछ आजमगढ़ को 1.5 सालों में पूज्य महाराज जी दिए हैं तो आप लोगों को दिक्कत क्या है? तो उसने कहा क्या करें, हमारे खून में सपा घुस गया है। तो हम कहे काम करो, अपना ब्लड टेस्ट कराओ, खून की जांच कराओ, ये तुम्हारे खून में जो सपा घुसा है ये जहर है, इस जहर को निकाल दो। और अगर अखिलेश यादव पूछे कि भैया ये सपा को खून में से क्यों निकाल रहे हो, तो उनको बताना कि अखिलेश भैया आपने तो हमारा मान ले लिया,
सम्मान ले लिया, स्वाभिमान ले लिया, और उस दिन कृष्ण भगवान भी खून के आंसू रोए होंगे जिस दिन आपने चंद वोटों के लिए अयोध्या में राम भक्तों की जान ले लिया। इसलिए इस जहर को निकालना जरूरी है। और मैं आप लोगों को सिर्फ एक और बात कह के अपनी बात को समाप्त करता हूं कि आजकल जब हम लोग गांव गांव जा रहे हैं तो गांव गांव में लोग वही गाना गुनगुना रहे हैं कि अखिलेश हुए फरार, भैया अखिलेश हुए फरार, निरहुआ 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 डटल रहे, अब भौजिया में चाहे भैया होइयो जम कर जम के लड़ैया, आरोही चाहे पार फैसला अटल रहे, अखिलेश हुए फरार निरहुआ डटल रहे। और ऐसे ही डटे रहेंगे आपके, क्योंकि मैं जानता हूं कि पूजनीय महाराज जी के कृपा से सब काम हो रहा है, करते हैं सब आप प्रभु, और आजमगढ़ में मेरा नाम हो रहा है। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को देता हूं विराम, और मैं चाहता हूं कि एक बार फिर आप जोर से उद्घोष करेंगे, खड़े होकर करेंगे, महाराज जी को जय श्री राम, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को जय श्री राम। और ये बात मैंने इसलिए भी कहा कि नए भारत का नवे युग में नया निर्माण है मंदिर, सनातन धर्म है जिनका न समझे मर्म मंदिर का, उन्हीं मूर्खों के सीने में यह सीधा बाण है मंदिर। और मेरे पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज जी तो कहते हैं कि सनातन धर्म है मेरा, सनातन धर्म है मेरा, मेरा तो प्राण है मंदिर। जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद जी। अब मैं अपने बीच हम लोग इनके लिए आए हैं अपने मुख्य अतिथि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को आमंत्रित करता हूं। भारत माता की। प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, प्रदेश सरकार के ही मंत्री श्री दारा सिंह चौहान जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के महामंत्री श्री गोविंद नारायण शुक्ला जी, क्षेत्रीय अध्यक्ष श्री सहजानंद राय जी, लोकप्रिय सांसद और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्री दिनेश लाल यादव निरहुआ जी, जिला अध्यक्ष कृष्णपाल जी, जिला प्रभारी अशोक सिंह जी, एमएलसी श्री विक्रांत सिंह रेसो जी, पूर्व सांसद संतोष सिंह जी, पूर्व विधायक पूर्व एमएलसी श्री यशवंत सिंह जी, पूर्व विधायक श्रीमती वंदना सिंह जी, लोकसभा के प्रभारी सुनील गुप्ता जी, संयोजक माहेश्वर कांत पांडे जी, अशोक सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, हमारे सहयोगी दल सुहेल देव राजभर पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल, राष्ट्रीय लोकदल के सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में
उपस्थित आजमगढ़ संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए सभी उपस्थित बहन और भाइयों, चार चरणों के चुनाव बहन और भाइयों संपन्न हुए हैं। पांचवां चरण कल संपन्न होगा और उसके बाद छठे चरण में आजमगढ़ और लालगंज की जनता जनार्दन को भी देश के अंदर सरकार बनाने के लिए अपना प्रतिनिधि चुन करके भेजना है। बहनों और भाइयों, चार चरणों के चुनाव के परिणाम और उसके रुझान जो अब तक दिखाई दे रहे हैं, ये रुझान इस बात को बताते हैं विपक्ष के अंदर मची खलबली, विपक्ष के अंदर आई बौखलाहट उनकी हार को स्पष्ट प्रदर्शित करता है और पूरे देश कारण भी है। पूरे देश के अंदर एक आवाज आ रही है, पूरे देश के अंदर एक ही स्वर गूंज रहा है, पूरे देश के अंदर एक ही भाव सर्वत्र दिखाई दे रहा है और वह है कि फिर एक बार, थोड़ा आजमगढ़ की भाषा में बोलो जोर से, फिर एक बार, फिर एक बार, और अब की बार, अब की बार। बहनों और भाइयों, जब 400 पार की बात होती है तो कांग्रेस सपा और बसपा की हालत खराब होती है, उनके चेहरे की हवा उड़ जाती है, वे पूछते हैं 400 पार कैसे होगा। तो जनता जनार्दन एक बात कहती है, जनता की ओर से आवाज आती है कि जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। बहनों और भाइयों, पूरे चुनाव को अगर आप देखेंगे तो ये चुनाव अब तो राम भक्तों और राम द्रोहियों के बीच में जाकर के सिमट गया है। जिन लोगों ने आपके सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, जिन्होंने राष्ट्र की सुरक्षा पे सेंध लगाई थी, जिन्होंने हमारे आराध्य देवों के पवित्र स्थलों को पवित्र करने का कुत्सित प्रयास किया था, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को आतंक की गढ़ गतिविधियों का गढ़ बनाने का प्रयास किया था, जिन लोगों ने विकास बाधित किया था, ये चुनाव उनको जवाब देने का सर्वोत्तम माध्यम है। बहनों और भाइयों, मैं आजमगढ़ में इसलिए आया हूं, निरहुआ ने मात्र 2 वर्ष के अंदर आजमगढ़ की तस्वीर और तकदीर को बदलने के लिए अहर्निश प्रयास किया और आज आजमगढ़ में दिखाई भी देता है। आप देख रहे होंगे आजमगढ़ में या तो 4 लेन की कनेक्टिविटी है या 2 लेन की कनेक्टिविटी है। आजमगढ़ में महाराज सुहेलदेव के नाम पे विश्वविद्यालय भी बन गया है। आजमगढ़ में संगीत महाविद्यालय का निर्माण भी हो रहा है। आजमगढ़ में एयरपोर्ट का निर्माण भी हो गया है और अब आजमगढ़ को लोग शक और अविश्वास की नजरों से नहीं देखते, बल्कि आजमगढ़ की पहचान आज के दिन पर होती है कि अच्छा, भोजपुरी का सुपरस्टार निरहुआ के संसदीय क्षेत्र से जुड़े हुए लोग हैं, देखो इस रूप में लोग देखते हैं। आप चुन किसको रहे हैं आप देखना, कहीं आप चले जाइए देश के अंदर। बहनों और भाइयों, अगर समाजवादी पार्टी का नेता होगा तो हर व्यक्ति उसको शक की निगाहों से देखता है, अरे सपा का व्यक्ति है तो लोग मान लेते हैं कि ये शरीफ तो नहीं होगा, ये जरूर कोई गुंडा होगा, ये कोई बदमाश होगा, और सपा का समर्थक है और कुछ और है तो लोग उसकी तलाशी लेनी शुरू कर देते हैं। पुलिस के कर्मी जैसे
मिलते हैं, लोग समझने लगते हैं कि कहीं गड़बड़ करने के लिए आया होगा। बहनों और भाइयों, लेकिन निरोवा ने आजमगढ़ की तस्वीर को सरकार के साथ मिलकर के बदलने का प्रयास किया और आज परिणाम है आजमगढ़ का व्यक्ति कहीं जाता है तो लोग आज आपको शक की निगाह से नहीं देखते। हाँ, ये जरूर आपसे ख्वाहिश रखते होंगे कि आप भी भोजपुरी में कोई गाना सुना दीजिए, ये करते होंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, पहचान का संकट आज के दिन पर आपके सामने नहीं, और ये सबसे बड़ी समस्या का समाधान पहले उन्होंने किया। दूसरा, उन्होंने यहां पर आपको एक पहचान दिलाने का प्रयास किया कि मेरे आजमगढ़ में भी विकास होना चाहिए, सड़क, बिजली, पानी, हाईवे, रेलवे, संगीत महाविद्यालय, विश्वविद्यालय की स्थापना, ये सभी लगातार अब आपकी पहचान बन रहे हैं। और इस पहचान को भाई बैठ जाओ, ये आगे लोग बैठ जाएं, आने पीछे वाले को भी देखने दो, बैठ जाओ भैया, आराम से बैठ जाओ। और बहनों भाइयों, ये जो यहां की समस्या का समाधान करके दिखाया है, एक योग्य जनप्रतिनिधि 2 वर्ष के अपने कार्यकाल के दौरान इससे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकता है जितना निरोवा ने आजमगढ़ के अंदर करने का प्रयास का लगातार कार्य करता रहा। बहनों और भाइयों, आज देश की तस्वीर और तकदीर को मोदी जी ने बदल करके रख दिया है, भारत को दुनिया के अंदर सम्मान मिल रहा है, भारत के अंदर सुरक्षा की अब कोई समस्या नहीं है। पहले याद करिए, देश के अंदर कोई आतंकी घटना घटित होती थी तो सरकार किम कर्तव्य विमूढ़ होती थी, और नाम भी आजमगढ़ का आता है, कहीं सरायमीर का, कहीं संजरपुर का, कहीं किसी अन्य क्षेत्र का, आजमगढ़ बदनाम हो चुका था। बहनों और भाइयों, 10 वर्ष में कोई आतंकी घटना का नाम सुना आपने? कोई आतंकी घटना नहीं घटी थी। और अब तो पटाखा भी जोर से फट जाता है ना तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है और कहता है कि नहीं नहीं, ये मैंने नहीं विस्फोट किया, मेरा नहीं हाथ है, वो तो पटाखा फटा है, आतिशबाजी होती है, आतिशबाजी में भी अगर जोर से पटाखा फट जाता तो पाकिस्तान को सफाई देनी पड़ रही है, क्योंकि पाकिस्तान को मालूम है ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ता भी नहीं है। और बहनों और भाइयों, इसीलिए एक तरफ सुरक्षा है, देश का सम्मान है, और दूसरी तरफ विकास के बड़े बड़े कार्य भी हैं, गरीब कल्याण भी है। याद करिए, ये समाजवादी पार्टी की सरकार के समय खाद्यान्न घोटाला होता था, गरीब भूख से मरता था, गरीब चिकित्सा के अभाव में दम तोड़ता था, गरीब के पास मकान नहीं था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान प्लान करता था और चारों ओर अव्यवस्था अराजकता थी, कोई पर्व और त्योहार आता था दंगा शुरू हो जाता था, कोई पर्व और त्योहार आता था तो बहनों और भाइयों कर्फ्यू लग जाता था, कोई बेचारा कमा करके लाता था रास्ते में छीन लिया जाता था, लूट लिया जाता था, कोई व्यक्ति कमाने के लिए घर से बाहर गया, घर पे ताला बंद गए, पता लगा कि ताला तोड़ करके उस मकान पे कोई सफाई गुंडा कब्जा कर लिया है, यही तो होता था। और बहनों और भाइयों, आज के दिन पर आप देखते होंगे कोई व्यक्ति अगर गांव छोड़ करके कहीं रिश्तेदारी में गया है, कोई उसके घर को छेड़ेगा नहीं, कोई छेड़ेगा तो उसे मालूम है कि फिर उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। बेटी और व्यापारी सुरक्षित है, गरीब को 5 किलो राशन प्रति माह मिल रहा है, 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और मैं तो फिर कहूंगा कि अगर
अगर कोई आज के दिन पर पाकिस्तान का राग अलाप रहा है तो उसको कृपा करके पाकिस्तान ही चला जाना चाहिए, हिंदुस्तान पर वह बोझा ना बने। क्योंकि क्योंकि आप देख सकते हैं कि 80 करोड़ लोगों को मोदी जी फ्री में राशन की सुविधा दे रहे हैं और पाकिस्तान में 23 करोड़ की कुल आबादी और वह भी भूखों मर रही है। अरे मोदी जी ने 10 वर्ष में 10-25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से उभारने का काम किया और कमबख्त पाकिस्तान है वहां पर लोग भूखों मरने मर रहे हैं और तब भी कोई राग अलाप रहा पाकिस्तान का, तो जाए खुशी के साथ पाकिस्तान जाए, भारत की एक समस्या का समाधान और हो जाएगा। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोगों को 5 लाख रुपए हर वर्ष स्वास्थ्य बीमा का सुविधा प्राप्त हो रहा है और जो भी गरीब आता है, कोई सांसद, कोई विधायक, कोई पूर्व विधायक, पूर्व सांसद, कोई पदाधिकारी या पीड़ित भी अगर मुझे लिख देता है कि मैं बीमार हूं, मेरे उपचार में पैसा खर्च होना है, मेरे पास पैसा नहीं, कोई कमाने वाला नहीं, मैं कहता हूं निश्चिंत होकर के अपना उपचार कराइए, खर्चे की जिम्मेदारी मैं उठाऊंगा, चिंता मत करो। बहनों भाइयों, हम पूरा पैसा देते हैं, 12 करोड़ रुपए तो केवल निरुवा ही यहां के गरीबों को उपलब्ध करवाया है। बहनों और भाइयों, इसके अलावा किसान को किसान सम्मान निधि, गरीब के घर में शौचालय का निर्माण हो गया, 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए और मोदी जी ने कहा है कि 70 वर्ष से ऊपर के हरेक बुजुर्ग के लिए चुनाव के तत्काल बाद 5 लाख रुपए का आयुष्मान भारत कार्ड जारी।